नमस्कार, स्वागत है आपका इन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को जयपुर में मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर करेंगे कई कार्यक्रमों में शिरकत। मोहना मंडी में मोदी फैश, दूदू में किसान सम्मेलन, तो जयपुर में करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। दौसा में किरोड़ीलाल मीणा समर्थकों ने सांत था एनकाउंटर की जांच की मांग को लेकर किया रेलवे ट्रैक जाम। प्रशासन के आश्वासन के बाद समर्थकों ने खोला रेलवे ट्रैक, मीणा ने दिया अल्टीमेटम। सीकर के फतेहपुर में बैंक से सहकारी बैंक कर्मचारी के साथ हुई लूट की वारदात, 4 लाख रुपयों से भरा बैग किया पार, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। भरतपुर में जाटों ने आरक्षण आंदोलन का बजाया बिगुल। भरतपुर मथुरा हाईवे पर रारह गांव में शुरू किया महापड़ाव, आंदोलन को सफल बनाने को लेकर जाटों ने की एकजुट होने की अपील। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेकेंडरी की परीक्षा परिणाम जारी, शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने किया जारी, छात्राओं ने फिर अपना दबदबा रखा कायम। राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह यहां मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर दूदू में आयोजित होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी दिन शाम को जयपुर के बिरला सभागार में शहर भाजपा की ओर से होने वाले कार्यक्रम में मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाएंगे। राजनाथ सिंह शुक्रवार सुबह 11 बजे जयपुर पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। वहीं राजनाथ सिंह एयरपोर्ट से सीधे मोहना मंडी पहुंचेंगे, जहां वे जयपुर देहात भाजपा की ओर से आयोजित मोदी फेस्ट में शामिल होंगे। राजनाथ यहां से सीधे दूदू पहुंचेंगे और वहां होने वाले जनसभा को संबोधित करने के बाद दोपहर बाद जयपुर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। जयपुर में राजनाथ सिंह शाम 5:30 बजे संघ कार्यालय भारतीय भवन पहुंचेंगे। वहीं राजनाथ सिंह यहां प्रदेश के वरिष्ठ संघ प्रचारकों के साथ चर्चा भी करेंगे। राजनाथ का भारतीय भवन में बिरला सभागार जाने का कार्यक्रम भी है, जहां वे भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रात करीब 7 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राजनाथ की जनसभा की तैयारियों से जुटे शहर भाजपा नेताओं ने हर सभा में हर वार्ड से कम कार्यकर्ताओं को लाने का टारगेट दिया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 5 किसानों की मौत के बाद से ही हिंसा और तनाव की चपेट में है। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पुलिस गोलीबारी में मारे गए किसानों के परिवार से मिलने मंदसौर के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान राहुल गांधी कार के काफिले से उतरकर सचिन पायलट के साथ बाइक पर बैठकर कच्चे रास्ते से मंदसौर के लिए रवाना हो गए, लेकिन पुलिस ने राहुल गांधी को मंदसौर पहुंचने से पहले नीमच में हिरासत में ले लिया। बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर जमा हो गए। इस बीच राहुल ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। समझाइश के बाद आखिर राहुल बेल के लिए राजी हो गए। राहुल ने मंदसौर मामले में पीएम और सीएम को जिम्मेदार बताया है। सीएम से इस्तीफे की मांग की गई है। इसी बीच राज्य के मालवा इलाके में तीसरे दिन भी हिंसा का दौर जारी रहा, जिसके बाद जिले के कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया गया। इस बीच किसानों पर गोली चलाए जाने के मामले में पिपलिया मंडी के इंस्पेक्टर अनिल सिंह ठाकुर को फील्ड ड्यूटी से हटा दिया गया है। सेना भर्ती मामले से जुड़े दलालों की मदद करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जगजीत पुरी को बुधवार को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था। इनकी गिरफ्तारी से पहले सेना को विश्वास में लिया गया। सेना के जरिए लेफ्टिनेंट कर्नल को कुछ दिनों से पूछताछ के लिए संपर्क किया गया था। शुरुआत में 2-3 मामलों में आरोपी कर्नल का अभ्यर्थियों की भर्ती से संबंध मिल गया, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। वहीं एटीएस सूत्रों की माने तो अब पड़ताल में सामने आएगा कि आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल को कितना आरोपियों की मदद पर सेना में भर्ती कराई गई थी। जानकारी के अनुसार आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर जगजीत पुरी सेना में मेडिकल अधिकारी भी हैं। वहीं आरोपी जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर, अलवर
और जयपुर में सेना भर्ती रैली में गठित मेडिकल बोर्ड का सदस्य भी रहा है। आपको बता दें कि कर्नल पुरी सेना में भर्ती होने के इच्छुक अभ्यर्थियों से पैसे ऐंठने वाले गिरोह में शामिल थे, जिन्हें एटीएस ने कुछ दिन पूर्व ही गिरफ्तार किया है। कर्नल पुरी गिरोह के अन्य दलालों के साथ मिलकर अभ्यर्थियों से भारतीय सेना में भर्ती के नाम पर पैसा वसूला करते थे। राजस्थान के लालसोट से भाजपा के विधायक किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों के साथ दौसा के नजदीक जयपुर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। इस कारण आधा दर्जन ट्रेन प्रभावित हुई हैं। आपको बता दें कि मीणा हाल में दौसा के सांथा में हुए युवक की मौत के मामले में पुलिस पर एनकाउंटर करने का आरोप लगा रहे हैं। मीणा ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया है। मीणा ने इस प्रकरण सहित इलाके में लगातार बढ़ रही अपराध की घटनाओं को लेकर गुरुवार को दौसा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। अनुमति नहीं मिलने पर किरोड़ी समर्थक रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गए, जिसे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। वहीं गुस्साए किरोड़ी व उनके समर्थक रेलवे ट्रैक पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि प्रशासन की समझाइश के बाद किरोड़ीलाल मीणा और उनके समर्थकों ने रेलवे ट्रैक खाली कर दिया। वहीं मीणा प्रशासन से सांथा में पुलिस की गोली से मरे युवक की जांच की मांग करने का अल्टीमेटम दिया है। भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पर सियासी हमला बोला है। तिवाड़ी ने मंत्रियों और मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों में संशोधन के लिए लाए गए बिल और उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए किए गए प्रावधानों पर सवाल उठाया है। तिवाड़ी ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि या तो वो अगले 10 दिन में सिविल लाइन स्थित बंगला नंबर 13 खाली कर दें, नहीं तो उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में एकात्मक सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। तिवाड़ी ने अपने आरोप दोहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनता के बेहिसाब पैसे से बने बंगला नंबर 13 को आजीवन निजी आवास बनाकर रहना चाहती है, जो अवैधानिक है। तिवाड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान मंत्री वेतन विधायक 2017 के लिए दोषी ठहराते हुए कहा कि उसी बिल को राज्य ने संशोधित करके जनता की 2000 करोड़ रुपए की संपदा पर कब्जा करने का प्रयास किया है, जिसके खिलाफ चुप नहीं रहा जाएगा। उन्होंने सीएम राजे पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है। जयपुर में सिविल लाइन्स में 13 नंबर का एक सरकारी बंगला है। इस बंगले की संपदा 2000 करोड़ रुपए की। इस बंगले को पिछले 8-9 वर्ष में सरकार के ही करोड़ों रुपए खर्च करके एक आलीशान महल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके 20-20 फुट 15-15 फुट ऊंची दीवार बना दी गई है और जैसे कोई अपने घर का नाम रखता है, जैसे इसका मातृ मंदिर है, उन्होंने अनंत विजय इसका नाम रख लिया है। अनंत विजय ये उसका नाम लिख लिया और उस पर बोर्ड भी लगा दिया, जो कानूनी रूप से गलत। किसी भी सरकारी भवन का नाम अपनी मन मर्जी से नहीं बदल सकते, वो बदल लिया। ये प्रश्न पूछा जाना स्वाभाविक है कि जब 8 नंबर सिविल लाइन्स मुख्यमंत्री के लिए ईयर मार्क्ड बंगला है, तो फिर 13 नंबर का बंगला भी क्यों रखा हुआ है? और एक मुख्यमंत्री 2 मुख्यमंत्री की सुविधाओं का उपभोग और उपयोग क्यों कर रही? किसी समय अवसर आएगा तो ये एक्स्ट्रा जो सुविधा उन्होंने प्राप्त की है उनसे वसूला जाएगा। आपको जितना अधिकार मिला हुआ है उससे ज्यादा जनधन का उपयोग और उपभोग आप नहीं कर सकते, ये सामान्य जो फाइनेंशियल रूल्स हैं राज्य सरकार के। भरतपुर में ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का गुरुवा से भरतपुर मथुरा हाईवे के पास सरारह गांव में महापड़ाव शुरू हो गया है, जिसके लिए भरतपुर धौरपुर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर समाज के लोगों को आंदोलन के लिए एकजुट किया है और आज से आंदोलन का बिगुल बजा दिया गया है।
अनुमान लगाया जा रहा है कि महापड़ाव में बड़ी संख्या में जाट समाज के लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। साथ ही भरतपुर जिले से सटे उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के जाट समाज के गांव के लोग भी इस महापड़ाव में भाग लेने की जानकारी मिली है। आपको बता दें कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने राज्य सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जो गुरुवार को पूरा हो गया है, जिसके बाद सरकार का इस पर कोई अमल नहीं करने पर जाट समाज एकजुट होकर आंदोलन का बिगुल बजा चुका है। राजसमंद के खमनोर थाना इलाके के धींदागढ़ में मादा पैंथर मृत मिली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मृत पैंथर को हल्दीघाटी नर्सरी में रखवाया है, जिसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर दफना दिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर पैंथरों के आपस में लड़ने से मादा पैंथर की मौत होने की पुष्टि हुई है। राजसमंद के कुंवरिया थाना क्षेत्र के बागपुरा गांव में शमशान के रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद अतिक्रमण हटाने के बाद समाप्त हो गया है। पुलिस ने भारी जब्ते के साथ आमेट एसडीओ गोपाल लाल स्वर्णकार के नेतृत्व में शांतिपूर्वक शमशान के रास्ते का अतिक्रमण हटाया है और ग्रेवल सड़क बनाई गई है। अतिक्रमण हटाने के लेकर प्रशासन का दस्ता मौके पर पहुंचा और 3 घंटे में रास्ते से अतिक्रमण हटाकर रास्ता बहाल किया गया है। इस दौरान तहसीलदार ईश्वरलाल खटीक, कुंवरिया थानाधिकारी राकेश कुमार जोशी, नायब तहसीलदार छगनलाल रैगर सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। जयपुर के रामगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। भारत और श्रीलंका के बीच में खेले जाने वाले मैच पर सट्टा लगा रहे थे ये लोग। सटोरियों से 14 करोड़ रुपए के हिसाब की डायरी व मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस कमिश्नरेट के जयपुर उत्तर के पुलिस थाना रामगंज ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। इन दोनों आरोपियों से लाखों रुपए के हिसाब का रजिस्टर तथा क्रिकेट सेट, ऑफ बॉक्स, मैच टीवी व मोबाइल तथा लाइन मशीन जब्त की गई है। आपको बता दें कि पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि रामगंज क्षेत्र में क्रिकेट सट्टे की खईवाल की सूचनाएं लगातार थानाधिकारी अशोक चौहान, पुलिस निरीक्षक को प्राप्त हो रही थी। इस क्रम में क्रिकेट मैच पर सट्टे की लाइन लेकर सट्टे की खाई वाली के मिलने पर कार्रवाई की गई है। क्रिकेट के सट्टे की खाई वाली करने वाले अजय गुप्ता और मुकेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। सीकर के फतेहपुर में सहकारी बैंक में एक कर्मचारी का करीब 4 लाख रुपए से भरा बैग पार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार रामसीसर निवासी सीताराम शर्मा सहकारी समिति में संविदा कर्मचारी है, जो गुरुवार को रुपए लेकर शहर के केंद्रीय सहकारी बैंक में पैसे जमा कराने गया था, जहां पीड़ित ने रुपयों से भरा बैग बैंक में टेबल पर रख दिया और खुद किसानों के खातों की रसीद लेने अंदर चला गया। जब कुछ देर बाद वापस आकर देखा तो बैग गायब मिला। पीड़ित ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर मामले की जानकारी ली। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री वासुदेव देवनानी ने शाम 4 बजे बोर्ड परिसर में वेबसाइट पर बटन दबाकर परिणाम घोषित किया। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर बी एल चौधरी ने बताया कि इस बार 10वीं की परीक्षा में 10,98,921 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं, जिनमें 6,30,342 छात्र और 4,68,579 छात्र शामिल हुए थे। सवाईमाधोपुर को विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अर्चना मीना ने 99.17% अंक लेकर बाजी मारी है। इसी तरह अलवर नीम का थाना सैलाम इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा विजेता मीणा ने 99% अंक लाकर बाजी मारी है। दोनों छात्राओं ने 10वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक बटोरे हैं। वहीं डायनेमिक स्कूल ऑफ साइंस बोराज स्कूल छात्र विकास शर्मा ने 10वीं बोर्ड में 98% अंक लेकर बाजी मारी है। वहीं चाकसू डॉल्फिन स्कूल के प्रियांशु नागर ने 95% अंक हासिल किए हैं। इसी तरह महेश्वरी गर्ल्स स्कूल की शैलजा मिश्रा ने 93% अंक हासिल किए हैं और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। और बहुत खुश हूँ।
और मम्मी पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया है। पापा का सपना है आईआईटी करूं मैं, तो आईआईटी करनी है मुझे। और टीचर्स ने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत अच्छे टीचर्स थे, बहुत मोटिवेट करते थे। मम्मी पापा ने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है मुझे। आगे आईआईटी करनी है, मेरा गोल है आईआईटी करना। पहले तो बहुत टेंशन हो रही थी रिजल्ट की, और साइट भी नहीं खुल रही थी घर पे, सबके फ़ोन में साइट किसी के में नहीं खुल रही थी। फिर पापा ने कॉल किया ऑफिस से, पापा ने बताया 93% बनी। उस समय आपका रिएक्शन क्या था, किस हिसाब से आपने रिएक्ट किया होगा? सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, सारे भाई बहन और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा खुश हुए। शुरू से ही मैं बच्चों को ये गाइड करता रहता हूँ कि आगे कुछ बनने के लिए कुछ पढ़ो। बच्ची है जो 6 से 8 घंटे पढ़ती है, काफ़ी तकलीफ भी उठाई हुई इसमें बच्ची ने, इसका सपना है आईआईटी करने का है मैम, तो उसको हम कराएंगे। वैसे मतलब ये कि परिवार के विद फैमिली में रहते हैं हम लोग, पूरे 5 भाई हैं और उनका और भी बच्चे वगैरह हैं, और 8 बहनें इनके भाइयों की हैं सभी की, तो सब एक ग्रुप बना के रहते हैं और ग्रुप बना के पढ़ते हैं। भीलवाड़ा के फूलिया कला के तसवारिया बांसा में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन गांव के अटल सेवा केंद्र पर किया गया है, जिसमें ग्रामीणों की भू राजस्व से संबंधित समस्याओं का निस्तारण किया गया है। वहीं कई किसानों और ग्रामीणों को पट्टे वितरित कर जमीनी विवादों का निपटारा किया गया। इस दौरान एसडीएम के आर खोट, तहसीलदार दयाराम मीणा, सरपंच शंकरलाल गुर्जर और पटवारी सहित कई लोग उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर हुई गोलीकांड को लेकर किसानों से मिलने गए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को गिरफ्तार करने पर डूंगरपुर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। विधानसभा अध्यक्ष गणेश घोगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर पर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका, साथ ही राहुल गांधी को नहीं छोड़ने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी। गुलाबी नगरी जेम्स और ज्वेलरी के लिए प्रमुख रिटेल ई कॉमर्स निर्यातक बनकर उभरी है। ये बात आईआईएफटी और फिक्की की ओर से ईबे इंडिया के सहयोग से हुई एक अध्ययन में उभर कर सामने आई है। इस अध्ययन में भारत से ई कॉमर्स के माध्यम से होने वाली B2C रिटेल निर्यात 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकलन किया गया है। इसमें अकेले जयपुर से जेम्स एंड ज्वेलरी श्रेणी में 20 मिलियन का योगदान हो सकता है। ईबे इंडिया के प्रतिनिधियों ने प्रेसवार्ता कर बताया कि इस समय 25 लाख एमएसएमई इकाइयों द्वारा भारत में B2C ई कॉमर्स निर्यात रूट का उपयोग कर विभिन्न समूहों से जेम्स तथा ज्वेलरी का निर्यात किया जा रहा है। ई कॉमर्स के माध्यम से उनके निर्यात का आंकलित मूल्य लगभग 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आज हमने यहाँ पे ये बताया कि ईबे पे 25,000 से ज़्यादा सेलर जो ई कॉमर्स के थ्रू रिटेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं ईबे के थ्रू, राइट, और जयपुर से सिर्फ 2,000 से ज़्यादा सेलर है। तो ये जो सेलर है सिंगल शिपमेंट करते हैं, सिंगल आइटम करते हैं, जो सिंगल बायर को जाता है वर्ल्ड वाइड, राइट। तो उनको क्या प्रॉब्लम आती है शिपमेंट करने के लिए, और उनका जो पूरा जो आज वो शिप करते हैं वो बल्कि वो रिकग्नाइज़ नहीं हो रहा है एक्सपोर्ट के थ्रू, जबकि वो रिकग्नाइज होना चाहिए, क्योंकि एक सिंगल सेलर जो एक सिंगल आइटम एक्सपोर्ट कर रहा है वो भी तो फॉरेक्स लेके आ रहा है। तो जो पॉलिसी है, जो ऑलरेडी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आया है कि ये ई कॉमर्स के थ्रू एक्सपोर्ट रिकग्नाइज किया जाएगा, लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। जो 2015 में लॉन्च हुई थी, अब 2017 में अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जयपुर के लिए कि जेम्स एंड ज्वेलरी जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होता है जयपुर में, वो रिकग्नाइज नहीं हुआ है उस पॉलिसी के अंदर, राइट। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सिर्फ 6 कैटेगरी डिफाइन की एक्सपोर्ट रिकग्नाइज के अंदर, और ज्वेलरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो रिकग्नाइज होना चाहिए, क्योंकि जयपुर में 2,000 से ज़्यादा सेलर सिर्फ ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं बेनिफिट दिया है। तो इसी के लिए हमने ये पूरी अवेयरनेस क्रिएट की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। झुंझुनू में प्रदेश स्तरीय आह्वान पर युवाओं के संगठन DYFI की ओर से कलेक्ट्रेट पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया है।
बेरोजगारों ने नौकरियों पर लगाई गई अघोषित रोक को हटाने तथा 15 लाख रोजगार देने के सरकार के वादे को पूरा करने की मांग की है। इसी क्रम में जिले में खराब सड़कों को सुधारने तथा आवारा पशुओं की समस्या से किसानों को निजात दिलाने जैसी मांगों को लेकर धरना दिया है, जिसकी अध्यक्षता DYFI जिलाध्यक्ष भूराराम लालपुरिया ने की। लालपुरिया ने इस मौके पर कहा कि सरकार की गलत नीतियों से युवा वर्ग के साथ साथ किसान और आमजन परेशान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झुंझुनू में लॉन्स क्लब की ओर से लॉन्स शताब्दी समारोह मनाया गया। क्लब की ओर से शहर के गांधी चौक, पीरू सिंह सर्किल, कलेक्ट्रेट नेहरू पार्क से होते हुए वापस गांधी चौक तक बाइक रैली निकाली गई। रैली को जेसी जैन, एसके केजरीवाल, नगर परिषद के सभापति सुदेश अहलावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा लॉयंस क्लब झुंझुनू सिटी की ओर से गांधी चौक में शरबत की स्टॉल भी लगाई गई, जिसमें दिन भर लॉयंस क्लब सदस्यों ने राहगीरों को तपती दोपहरी में ठंडा शरबत पिलाकर सेवा का कार्य किया। मंदसौर में किसानों पर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग को लेकर बूंदी में पीसीसी महासचिव भरत शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला भी फूंका, जिसके बाद सभी कांग्रेसी सेवादल मुख्य संगठक महमूद अली के नेतृत्व में सर्किट हाउस पहुंचे और कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी को काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई। ऐसे में पुलिस ने कांग्रेसियों को मंत्री को झंडे दिखाने से पहले ही रोक दिया और सभी को गिरफ्तार कर शहर से दूर ले जाकर छोड़ दिया। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने गुरुवार को कोटा जाते समय बूंदी सर्किट हाउस रुके, जहां विधायक अशोक डोगरा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री ने किसानों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को मौके पर बुलाकर उनका समाधान करवाया है। वहीं सैनी ने किसानों को अक्टूबर माह तक नई मंडी शुरू करने का भी आश्वासन दिया। वहीं मंडी सचिव को जल्द से जल्द सभी पेंडिंग कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति महावीर मोदी, शहर अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल सहित कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के बारगाह में पिछले दिनों लंदन में हुए आतंकी हमले पर निंदा की गई। दरगाह खादिम मोबिन चिश्ती की अगुवाई में दुआ भी की गई। वहीं दरगाह में मौजूद जायरीन और खादिमों ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों को सब्र मिलने की ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ मांगी है। दरगाह खादिम मोबिन चिश्ती ने पत्रकारों से बातचीत में दरगाह बम ब्लास्ट मामले पर बोलते हुए कहा कि रमजान का पाक महीना था, जब दरगाह में इफ्तार के दौरान बम ब्लास्ट की घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। सरकार ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम देने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग करे। झुंझुनू में विद्युत विभाग की लापरवाही कभी आम जन पर तो कभी पशुधन पर भारी पड़ती है। विभाग की लापरवाही के कारण एक बार फिर करंट ने 3 गायों की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक शहर के मलसीसर रोड पर विद्युत पोल नहीं होने के कारण बिजली के तार जमीन से 1-2 फीट की ऊंचाई से गुजर रहे हैं, जिसके हादसे की आशंका के चलते लोगों ने कई बार विभाग को अवगत भी करवाया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देने के कारण गुरुवार को विद्युत तारों की चपेट में आने से 3 गायें झुलस गई हैं, जिसके बाद तीनों गायों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद लोगों में विभाग के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया और तारों को अधिक ऊंचाई पर लगाने की मांग की। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय के आधा दर्जन कॉलोनियों में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते जलापूर्ति एक माह से ठप पड़ी हुई है। इसी भीषण गर्मी के साथ रमजान के महीने में लोगों को पेयजल को लेकर काफी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। वहीं विभाग समस्या का एक सप्ताह से समस्या का निस्तारण करने के लिए बेबस दिखाई दे रहा है। ऐसे में एवंचीवी ने पेयजल समस्या को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जलदाय विभाग हरकत में आया और लोगों के सामने आ रही पेयजल समस्या का निस्तारण किया। भीलवाड़ा जिले के मुजारम चौराहे पर बाइक और जेसीबी के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं मंगरोब थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मंडपिया ग्राम का प्रेम सिंह मुजरास ग्राम से लौट रहा था, तभी चौराहे पर उसकी बाइक को जेसीबी ने टक्कर मार दी,
जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। करौली में गौरव पथ निर्माण को लेकर नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर परिषद ने जेसीबी मशीनें चलाकर कई दुकानों व मकानों को हटाया है। इंडोन गेट से गुलाबबाग तिराहे तक जेसीबी मशीन से तोड़े गए पक्के अतिक्रमणों के मलबे से सारा रोड जाम हो गया और वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। अतिक्रमणों की कार्रवाई से आमजन तथा दुकानदारों में भारी नाराजगी देखी गई है। वहीं लोगों ने कुछ समय के लिए रास्ता भी बंद कर दिया है, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद लोगों ने रास्ता पुनः सुचारू रूप से चालू कर दिया। सीकर के श्री माधोपुर कस्बे में मानव तस्करी यूनिट ने छापेमार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान बाजार में होटल ढाबा मालिकों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मानव तस्करी यूनिट सीकर की टीम ने भवानी सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम देकर 5 बच्चों को बाल मजदूरी करते मुक्त करवाया है। टीम ने कस्बे के वैष्णव ढाबे से 4 बच्चों को मुक्त करवाया तो वहीं गोविंद मिश्रण भंडार से 1 बच्चे को छुड़ाया है, जिसके बाद टीम ने बच्चों को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया और दोनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर इलाके में किसान हत्याकांड के विरोध में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध में लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पूर्व नगर के मुख्य बस स्टैंड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंदसौर हत्याकांड में मारे गए किसानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। भरतपुर के केतवाड़ा कस्बे में ग्रह क्लेश के चलते युवक ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया और उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में युवक को चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे अलवर रेफर कर दिया गया। जालौर के भीनवाल में गैराज में खड़ी निजी बस पर 11 केवी लाइन के छू जाने से बस कंडक्टर की मौत हो गई। मृतक का नाम दूदाराम देवासी है। शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। इस पर मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। वहीं भीनवाल पुलिस लगातार लोगों से समझाइश कर रही है। सीकर के फतेहपुर कस्बे में देर रात्रि एक स्लीपर बस ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार में सवार एक जने की मौत हो गई। वहीं 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से तीनों को सीकर रेफर कर दिया गया। वहीं जानकारी के अनुसार हिसार से सालासर जा रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। हादसे में हिसार निवासी दक्ष की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद मौके पर एम्बुलेंस मौके पर समय से नहीं पहुंचने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ के खेरखेड़ा पंचायत के राजकीय स्वास्थ्य केंद्र से चोरों ने कंप्यूटर, टेबल कुर्सी, पंखे और दवाएं चुराकर पार हो गए। चोरों ने अस्पताल के दरवाजे, खिड़की तक भी लेकर फरार हो गए। वहीं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश मीना ने मामला दर्ज करवाया है। अजमेर के नसीराबाद में आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेहाना व गरिमा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को 7, 8 और 9 माह बाद गोद भराई की रस्म आंगनबाड़ी महिलाओं द्वारा की जाती है। इस दौरान महिलाओं को तिलक लगाकर नारियल और गुड़ के साथ 4 महिलाओं की गोद भराई की गई है। वहीं गर्भवती महिलाओं का गुड़ से मुंह मीठा करवाकर मंगल कामना के गीत गाए गए। साथ ही महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के लाभ की भी जानकारी दी गई।
बाल कल्याण समिति की नव मनोनीत अध्यक्ष सुमन कुलदीप पूनिया तथा सदस्य कृष्ण सुदेश अहलावत एवं लक्ष्मण प्रेमी ने अपना कार्यभार संभाला है। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पवन पूनिया ने अध्यक्ष सहित दोनों सदस्यों को कार्यों के बारे में बताया और उनको कार्यभार ग्रहण करवाया है, जिसके बाद भाजपा नेता विश्वंभर पूनिया, डीएफओ आर एन मीणा, सभापति सुदेश अहलावत आदि ने अध्यक्ष व दोनों सदस्यों को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद बाल कल्याण समिति कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। वहीं अध्यक्ष व सदस्यों ने कार्यकाल का अवलोकन किया। आपको बता दें कि अध्यक्ष व सदस्यों ने इस पूरे कार्यालय का अवलोकन किया और जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर बाल संप्रेषण गृह में जरूरी आवश्यकताएं पूरी करवाई जाएंगी। प्रदेश में पीने के पानी को सहेजने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में झुंझुनू में महिला शक्ति, राजस्थानी परंपरा और पानी सहेजने की कोशिश का अनूठा संगम देखने को मिला। दरअसल झुंझुनू के नवलगढ़ के बाय में स्थित आशावाला जीहड़ में जिला स्तरीय सामूहिक श्रमदान कार्य करवाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने एक तरफ जहां मंगल गीत गाकर पानी को सहेजने और भगवान से पानी का स्तर बढ़ाने का निवेदन किया, वहीं जिला कलेक्टर दिनेश यादव ने अधिकारियों के साथ घंटों तक पसीना बहाकर मिट्टी खुदाई की। इस कार्यक्रम में जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के अलावा पत्रकारों ने भी सहयोग किया है। अजमेर में दिगंबर जैन मुनि प्रसन्न सागर महाराज और मुनि पीयूष सागर महाराज केकड़ी नगर में मंगल प्रवेश किया है। मुनिश्री के मंगल प्रवेश के मौके पर सकल जैन समाज उमड़ पड़ा। वहीं पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल की जयपुर रोड स्थित मित्तल ऑयल मिल से जुलूस भी प्रारंभ हुआ, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ देवगांव गेट स्थित गौशाला पहुंचा। मंगल प्रवेश के जुलूस में हाथी, घोड़े, ऊंट और महिला मंडल बैंड के धुनों के बीच माहौल धर्ममय हो गया। जुलूस में जैन समाज के सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष शामिल हुए। वहीं पूरे मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए। गौशाला में धर्म सभा के दौरान संसदीय सचिव और केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम और पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने मुनिश्री को श्रीफल भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। बीजेपी शहर मंडल की बैठक डाक बंगले में विधायक मानसिंह किंसरिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विधायक ने 3 साल में जो विकास कार्यों की पुस्तक का विमोचन किया गया, वहीं बैठक में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान शहर अध्यक्ष पंकज पुरोहित, पूर्व नगरपालिका चेयरमैन भगवान बंग, अरुण कुमार माथुर, रामस्वरूप मोदी सहित अनेक भाजपा के पार्षद तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। डूंगरपुर में अटल सेवा केंद्र में गुरुवार को मंत्री सुशील कटारा ने जिलाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिले के प्रमुख समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें मंत्री कटारा ने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के शामिल नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है और आगामी बैठक में सभी अधिकारियों को उपस्थित रहने की हिदायत भी दी है। राज्य सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में प्रशासन की ओर से जनसुनवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को अलवर में जिला कलेक्टर राजन विशाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें शहर सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की ओर से समस्याओं से कलेक्टर को अवगत करवाया गया। वहीं जनसुनवाई में कोई पानी बिजली की तो कोई UIT और सड़क से संबंधित समस्याएं बताई गई है। इस दौरान जिला कलेक्टर राजन विशाल की ओर से जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए। अलवर के बांसूर में मेघवाल विकास समिति की ओर से बहरोड में पुलिसकर्मी द्वारा किए गए अत्याचार के विरोध में SDM दीनानाथ बब्बल को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी के अनुसार पुलिस के द्वारा महिलाओं के प्रति अपशब्द और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई करने के सहित मुआवजे की मांग की गई।
जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत ग्राम तनवाड़ा के खसरा संख्या 136वीं प्रस्तावित आवासीय योजना की लॉटरी निकाली गई। योजना की लॉटरी कंप्यूटर द्वारा रैंडम पद्धति से निकाली गई। आपको बता दें कि प्रस्तावित आवासीय योजना के लिए आवेदन 1 सितंबर 2016 से 28 अक्टूबर 2016 तक जेडीए द्वारा लिए गए थे। आयुक्त दुर्गेश कुमार बिस्सा ने बताया कि जेडीए परिसर में गुरुवार को जेडीए अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ की उपस्थिति में ये लॉटरी निकाली गई। उन्होंने बताया कि इस योजना में उपलब्ध 560 आवासों के लिए कुल 1471 पात्र आवेदक थे, जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के 953 आवेदन तथा अल्प आय वर्ग के लिए 518 आवेदन प्राप्त हुए थे। लॉटरी में निर्धारित आरक्षण के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों के अलग अलग लॉटरी निकाली गई है। जैसलमेर में मरुश्री स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण बिस्सा की पांचवी पुण्यतिथि रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन शहर के जवाहर चिकित्सालय में आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और करीब एक दर्जन युवाओं ने रक्तदान के साथ जरूरत के समय रक्तदान करने का संकल्प पत्र भरकर सहमति जताई है। इस दौरान नगर परिषद के प्रतिपक्ष नेता आनंद व्यास, रमेश बिस्सा, जिलाध्यक्ष विकास व्यास सहित कई लोग उपस्थित रहे। भीलवाड़ा शहर में पिछले दिनों से हो रही भयंकर गर्मी के बाद गुरुवार को बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली। वहीं बारिश के कारण शहर की सड़कों पर कई जगहों पर पानी जमा हो गया। वहीं जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। डूंगरपुर के कोलखंडा पंचायत के जोगीवाड़ा गांव में बांध का रिंगवाल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि सिंचाई विभाग की ओर से बनाया गया था। रिंगवाल बनने के बाद ग्रामीणों ने जमीन डूब क्षेत्र में रिंगवाल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं ग्रामीणों ने कलेक्टर से रिंगवाल बनाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि रिंगवाल बनता है तो 3 गांवों को बांध का पानी मिलेगा। कोटा के किशोरपुरा थाना इलाके में देर रात को फिरौती की रकम नहीं देने पर दो युवकों ने कार में सवार युवक पर फायरिंग कर दी, लेकिन युवक गाड़ी में बैठा था, जिसकी वजह से वो बच गया। लेकिन गोली लगने पर कांच टूटने से युवक की आंखों पर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि वक्फ नगर निवासी साजिद हुसैन अपने साथी के साथ कार से अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार दो युवक आए और कार सवार युवक पर फायर कर दिया, जिसे गोली कांच पर लगने से कांच टूटकर युवक की आंखों पर लग गया। वही घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं घायल युवक का कहना है कि मोनू बेवजह फिरौती की रकम मांग रहा था, जिसकी शिकायत पहले भी थाने में की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, जिसके बाद देर रात को मोनू ने फिर हमला किया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। भरतपुर के हरेला के भुतोली में जाटो समाज की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मूलचंद पोहिया ने किया। वहीं कार्यक्रम में समाज के लोगों ने नशा मुक्ति और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। इस दौरान समाज के गणमान्य नागरिकों सहित कई लोग उपस्थित रहे।
बहुचर्चित एएनएम भोंरी हत्याकांड में अपहरण और हत्या के आरोपी इंदिरा विश्नोई की ओर से हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस पीके लोहरा की अदालत में करीब दो घंटे तक आरोपी इंदिरा विश्नोई के अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने अपना पक्ष रखते हुए इंदिरा को बीमार बताते हुए रिमांड अवधि का विरोध जताया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इंदिरा बीमार है तो 5 साल पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए था। वहीं इंदिरा के अधिवक्ताओं ने सीबीआई के रिमांड क्षेत्राधिकार और अन्य बिंदुओं को लेकर अपनी ओर से पक्ष रखा है। उसके बाद कोर्ट ने फिलहाल याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। बारा के कस्बा थाना क्षेत्र के समरानिया कस्बे में प्रशासन की अनदेखी के कारण मुख्य सड़क मार्ग पर आए दिने जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसे वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि सड़क पर वाहनों को आड़े तिरछे खड़े कर देने से लंबा जाम लग जाता है। कई बार वाहन चालकों में जाम लगने के कारण विवाद की स्थिति तक बन जाती है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि कस्बे में कानून और यातायात व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, वाहन चालकों में प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। जोधपुर शहर के सर्किट हाउस रोड पर मिनी ट्रक ऑटो को बचाने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़ने से पलट गया है। इसे आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए। दो को उपचार के लिए मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वहीं अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार डांगियावास के कुछ लोग मिनी टेम्पो ट्रक में सवार होकर शहर की ओर जा रहे थे। वहीं वापसी के दौरान टेम्पो ट्रक सर्किट हाउस रोड पर एक टैक्सी को बचाने के प्रयास में पलट गया, जिससे हादसा हो गया। हनुमानगढ़ जिले के फेफाना गांव के किसानों ने पुलिस थाने के बाहर मुंडन करा विरोध प्रकट किया है। किसानों ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुई बर्बरता को लेकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। वे किसानों पर हुए अत्याचार के विरोध में स्वाभिमान किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस चौकी समक्ष मुंडन करवाया। इस मौके पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपने हक के लिए न्याय की गुहार कर रहे किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर एमपी सरकार ने घिनौनी हरकत की है। वहीं राजस्थान का किसान भी अब चुप नहीं बैठेगा। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि कर्ज के बोझ के तले दबे किसान अब आत्महत्या करने को मजबूर हैं। डूंगरपुर में पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते इन दिनों चोरों ने आतंक मचा रखा है। शहर में आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को शहर के प्रताप नगर रोड स्थित एक सूने मकान में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने घर से लाखों रुपए के जेवरात पार कर लिए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।